Four signs, chapter 12: weather, air, and water. Okay, first thing is that write A below the activities which need air and W for which needs water. Okay, this is an air activity, this is in water, air, and water. Okay, now next: sun and weather. What is sun and what is weather? So now we are discussing about it: weather changes. from day to day and sometime or uh, from hour to hour okay it can be sunny cloudy humid and windy weather re- reflect the short term changes in the atmosphere to of a place at a particular time अभी यहाँ पे weather क्या होता है weather क्या होता है day to day change होता है क्या होता है जैसे अभी आप लोग देखो एक दम से बारिश होने लगी थी ना कितना ठंडा हो गया था weather <coughs> like you now, you है ना उसके बाद कितना ठंडा रहा और अभी देखो कितना तेज़ धूप निकल रही है तो क्या है वेदर चेंज फ्रॉम डे टू डे एंड सम टाइम्स इन आवर टू आवर जैसे कि दिन में बहुत तेज़ धूप निकलती है अब इस वक्त अगर आप बाहर निकलोगे तो कितनी ठंडक रहती है तो ये आवर टू आवर भी चेंज होता है ठीक है पर चला अभी धूप है थोड़ी देर बाद बादल आ गए उसके एक घंटे बाद बारिश होना शुरू हो गई तो क्या होता है इट कैन बी सनी कभी कभी ऐसे ऐसे सनी रहता है ठीक है क्लाउडी खूब सारे बादल आते हैं ह्यूमिड ह्यूमड मतलब चिपचिपी गर्मी जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जो गर्मी का महीना होता है समर जो सीजन होता है एंड विंडी में जब हल्की हल्की हवा चलती है जो अच्छी लगती है वेदर जो है वो हल क्या रिफ्लेक्ट द शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द एटमोसफियर जो एटमोसफियर में जो है वो छोटे छोटे चेंजेस थोड़े थोड़े देर में कोई चेंजेस जो आते रहते हैं द सन प्ले प्ले प्लेस एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ काजिंग चेंजेस द वैदर अब यहाँ पे क्या है सन के बारे में आया तो सन प्लेज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट डेफिनेटली सन ऑलरेडी प्लेज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट टू काजिंग चेंजेस द इन वैदर वैदर को चेंज होने में भी बहुत सा रोल निभाता है इट इज द चीफ सोर्स सोर्स ऑफ हीट ऑफ द अर्थ यू नो दैट वी आर यूजिंग अ सोलर पैनल्स सोलर सिस्टम बहुत आज कल चल रहा है ना क्या होता है सोलर की प्लेट्स होती हैं जिन पे धूप पड़ती है तो हम पानी गर्म कर लेते हैं खाना पका लेते हैं दैट इज हम लोग इसको यूज़ करते हैं ठीक है थीके? तो वो किससे होता है बिकॉज ऑफ दैट सन लाइट दिस इज़ अ वेरी चीपेस्ट वे ये सबसे, आ, सबसे 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 तरीक सस्ता सोर्स है हीट पाने का अर्थ को ठीक है ड्यूरिंग द डे द हीट ऑफ द सन वॉम द अर्थ डेफिनेटली ड्यूरिंग द डे अब दिन के टाइम में क्या होता है जो सन होता है वो क्या होता है अर्थ को बुरा गर्म कर देता है ज़मीन एकदम देखो सूखी सी हो जाती है ना धूल उड़ने लगती है बट नॉट एट नाइट बट वो ऐसा वो रात में नहीं करता क्योंकि बिकॉज जब तक सूरज रहता है तब तक क्या होती है गर्मी रहती है आप कहीं धूप पे खड़े नहीं हो सकते बट रात के टाइम जब समर का टाइम समर सीजन में रात के टाइम में आप लोग टेरिस तो तो पे वॉक करते हैं या बाहर अगर आपके छोटा मोटा जैसे आपका गार्डन होता है जैसे बगीचा या घर के बाहर आपका पैरापेट हो गया छज्जाज्जा हो गया तो वहाँ पे आप आराम से बैठते हो बातें करते हो टाइम स्पेंड करते हो बट गर्मी में वही धूप के टाइम नहीं कर सकते ओके वे वी आर नाइट सो द नाइट्स आर जेन जनरली कूलर देन द डे डेफिनेटली नाइट्स जो होती है ज़्यादा कूलर होती है दिन के अकॉर्डिंगली ओके दिस इज विंडी डे क्लाउडी एंड सनी डे The sun and changes in weather. The sun causes changes in weather because it heats the earth evenly. तो असम evenly का मतलब होता है असमान रूप से तो क्या होता है जो सूरज होता है वो वेदर जो होता है हीट जो होता है उसको अर्थ बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और जो है जो वेदर जो होता है जिस कारण से असामान्य हो जाता है ठीक है दिस हैपेंस बिकॉज द अर्थ इज continuously revolving around the sun in in a fixed orbit ऐसा क्यों होता है क्योंकि कंटिन्यूसली हम सबको पता है अर्थ जो होती है वो सन के चारों तरफ घूमती है और वो एक रिवोल्विंग वे में मतलब जैसे कि अगर अर्थ योग घूम रही है तो वो योग सन थोड़ी तिरछे में भी घूमती है वो एकदम से डायरेक्ट सी ऐसा नहीं कि गोल 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 घूम रही है वो हल्का सा तिरछे होकर घूमती है तो यहाँ पर उसी बारे में बात कर रहे हैं ठीक है एट अ गिवन टाइम ओनली वन हाफ ऑफ द अर्थ इज फेसिंग द सन हमेशा एक टाइम में क्या होता है वन हाफ दिस इज अ सन तो जब क्या होता है जब जहाँ सन होता है उसी एक ही तरफ पे रोशनी रहती है दूसरी तरफ पे हमेशा नाइट होती है ठीक है तो यहाँ पर वही चीज़ बोल रहा है गिवन टाइम ओनली वन हाफ ऑफ द अर्थ इज फेसिंग द सन केवल आधा हिस्सा ही सूरज के सामने होता है वी ऑल्सो नो नोन नो दैट द अर्थ इज स्लाइटली टिल्टेड ऑन इट्स और यह सो अ पार्ट ऑफ द अर्थ इज नियर द सन वाइल द अदर पार्ट ऑफ साइलेंटली अवे फ्रॉम द सन अब आप देखो जैसे इस तरह से देख रहे हो ठीक है दिस ये जितने पार्ट में लाइट पड़ रही है ये हमारा क्या हो रहा है ये हमारा सन के सामने है ना और पीछे का जो पोर्शन है उसमें नाइट इफेक्ट आ रहा है रात का इफेक्ट आ रहा है अब इसमें भी आपका एक पॉइंट हम आपको बताते हैं सन अगर आपके ठीक यहा पर है ये है और सपोज दैट अर्थ हमारी इस तरह से मूव कर रही है सपोज दैट ठीक है तो अर्थ अगर हमारी इस तरह से मूव करी तो इधर हमारा इवनिंग आ गया ये हमारा हिस्सा आफ्टरनून का आ गया और ये हिस्सा हमारा मॉर्निंग का आ गया समझे क्योंकि अर्थ यूँ घूम रही ना तो ये हिस्सा जब यूँ जाएगा तो इधर से रात होती चली गई तो ये हमारा शाम हो जाएगा इधर से दोपहर तो हो जाएगी तो क्या होता है ज़रूरी नहीं ये पूरे हिस्से में डे हो आफ्टरनून चल रही हो ये हमारा इवनिंग को शो करेगा क्योंकि देखिए यहाँ से सूरज डूबता हुआ देखिएगा जहाँ ये अंधेरे के हिस्से में आया रात हो गई और ये हिस्सा आफ्टरनून में क्योंकि बिल्कुल सर पे है सूरज और ये हिस्सा क्या है अभी सूरज हम धीमे धीमे घूम कर हम आएंगे तो क्या हुआ ये मॉर्निंग का एरिया हो गया समझ में आया इसको बहुत इसी तरह से आप इसको समझ पाओगे ठीक है नेक्स्ट <laughs> आते हैं द पार्ट विच इज़ नियर द सन रिसीव्स मोर लाइट पा जो सूरज के पास है रिसीव मोर लाइट मतलब उस समय दोपहर हो रही है ना एंड देयर फॉर ज़ लोंगर एंड वार्म डे और वो सबसे ज़्यादा ही गर्म होता है ना आप कभी विंटर्स एंड समर यू कम्पेयर इट एज अ विंटर एंड समर समर में क्या होता है सूरज जब आफ्टरनून के टाइम में एकदम सर के ऊपर होता है बट विंटर्स में कभी भी सूरज सर के ऊपर नहीं आता है आपके घर में आंगन होगा ना आंगन में देखना गर्मियों में खूब तेज़ धूप आएगी सर्दियों में धूप नहीं आती क्यों नहीं आती क्योंकि सूरज जो होता है वो कैसे जाता है वो साइड जाता है ना कि हमारे ऊपर से जाता है तो ये भी बहुत मैटर करता है सूरज हमसे दूर हो जाता है तो यहाँ विंटर हो जाती है सूरज इतना पास आता है वहीं समर हो जाती है तो ये चीज़ें होती है इसमें ठीक है इट इज़ समर इन दिस पार्ट ऑफ द अर्थ ठीक है वाइल द अर्थ पार्ट हैज़ शॉटर एंड कूलर डेज एंड एंजॉय विंटर सीजन और जब वाइल्ड द पार्ट हैज़ शॉर्टर एंड कूलर मतलब जैसे ही जो सूरज होता है वो नीचे की तरफ दूर होने लगता है तो क्या होता है डेफिनेटली वो विंटर सीजन आया था और उसमें जो है ना दिन जो है छोटा भी हो जाता है और क्या होता है ठंडा भी हो जाता है रातें सर्दियों में देखिए दिन कितनी जल्दी हो जाता है और वही समर जब टाइम होता है समर सीजन होता है तो पता है सिक्स थर्टी सेवन तक तो डे ही दे, इवनिंग रहती है हल्का हल्का रोशनी दिखती है न दीजन कीप ऑन चेंजिंग एज द अर्थ राउंड अराउंड द स सन सीज़न जो है वो क्या होता है जो अर्थ है अर्थ जब रिवोल्व होती अराउंड रौ, रौ, होती है उसके अकॉर्डिंगली सूरज के आसपास तभी हमारे सीजन भी चेंज होते हैं द सन ऑल्सो प्लेज अम्पॉर्टेंट रोल इज़ ब्लोइंग ब्लोइंग ऑफ विंड्स सूरज जो होता है वो एक हवा जो होती है विंड उसको बहाने में ब्लोइंग मतलब तैरना एक हवा चलाने में बहुत हेल्पफुल होता है द एयर गेट्स हीटेड अप डू टू द हीट ऑफ द सन जब यही जो जो एयर है जो भी हमें ठंडी ठंडी लगती है कूल एयर लगती है आफ्टरनून समर टाइम में यही हमारी क्या हो जाती है लू में कन्वर्ट हो जाती है और हॉट एयर में कन्वर्ट हो जाती है ना तो बस वही यहाँ पर चीज़ है दिस हीटेड दिस हीटेड एयर हीटे बिकम्स लाइटर एंड राइसेस टू तो फिल इट्स स्पेस कूल एयर विच ज़ हैवेज कम इन दिस मोमेंट कंटिन्यूज द काजेज विंड क्या होता है विंड जो होती है सेम होती है वो क्या होती है समर्स में थोड़ी हॉट हो जाएगी विंटर्स में वही कूल cool हो जाती है और जो है सीजन के अकॉर्डिंगली विंड जो होती है हवा जो होती है वो बदलती भी है अगर आपको जानना हो तो आपके घर में जो घर के बड़े बुजुर्गों उनसे पूछिएगा सर्दियों में जो हवा का रुख होता है वो अलग होता है गर्मियों में हवा का रुख अलग होता है वो आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे क्योंकि ये मेरी मुझे आई रिमेंबर दैट ये मेरी दादी ने मुझे बताया था वो बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन करके बताया था व्हाट इज़ एयर नाउ द टॉपिक इज़ वट इज़ एयर एयर क्या है एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज एयर क्या है एक तरह का मिक्सचर है गैसेज का बहुत देर आर इन आवर एनवायरमेंट देर आर लॉट ऑफ गैसेज हमारी बहुत सारी गैसेज होती ना हमारे इन्वायरमेंट में तो उसी का ही एक मिक्सचर है इट ऑल्सो कंटेंट डस्ट स्मोक एंड वाटर वेपर और ये साथ में क्या कंटेंट करके रहता है अपने होल्ड करता है डस्ट स्मोक एंड वाटर वेपर वाटर वेपर क्या होता है ओस हल्की ओस होती ना उसको बोलते हैं द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफेयर और ये एक तरह का जो ब्लैंकेट होता है जो चारों तरफ होता है अर्थ के उसको क्या बोलते हैं एटमोसफेयर मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड जो मूविंग एयर होती है हल्की हल्की चलती है इसको विंड कहते हैं जेंटल एंड प्लेजेंट विंड इज कॉल्ड ब्रीज थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा जो सर्दी मॉर्निंग में उठो ठंडी ठंडी हवा लगती है ना अच्छा सा लगता है फील आता है दैट इज कॉल्ड ब्रीज And fast and strong wind is called storm. Storm. Storm क्या होता है आंधी तूफान में जब कन्वर्ट हो जाती है ठीक है तो यहाँ पे हमने इसको एंड किया ओके टुडेज डेट इज आ स्टूडेंट इसकी डेट मैंशन करिए और नाउ रीड विथ योर ओन सेल्फ इस चैप्टर को आपको खुद भी रीड करना ठीक है तो फर्स्ट ऑफ February ट्वेंटी टू ओके